वसंत अपनी जवानी पर था। कटहल के फूल एवं अमराई के बौर से पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा था। गोधूली बेला में भी कोयल चुप नहीं थीं, जिससे पूरा कुर्थी गांव के बगीचे में स्थित स्कूल सुरम्य हो गया था। डिप्टी साहब का इसी स्कूल में पहला मुआयना था। प्रधानाचार्य जी ने स्कूली बच्चों की सहायता से खूब साफ सफाई कराई थी। स्कूल के मैदान में एक भी घास दिखाई नहीं दे रही थी। डिप्टी साहब की खातिरदारी के लिए किसी भी बात की कोई चूक नहीं छोड़ी गई थी। स्कूल के प्रधानाचार्य बाबू नारायण सिंह का पूरे क्षेत्र में दबदबा था। वे स्कूल में जिधर निगाह उठाकर देखते, उधर अपने आप अनुशासन कायम हो जाता था। हो भी क्यों नहीं, वे स्वयं एक अनुशासित व्यक्ति थे। चाहे गर्मी हो या घोर सर्दी, वे समय से स्कूल पहुंच जाते। अत्यधिक बीमार ना पड़े तो बिना स्कूल आए उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना उन्हें देश सेवा से कम नहीं लगता था। व्यक्ति में अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं दायित्व निर्वहन का भाव स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर परिलक्षित होता है। बाबू नारायण सिंह इससे अछूते नहीं थे। प्रधानाचार्य जी ने डिप्टी साहब की अगवानी में दोनों हाथ जोड़ दिए। उनके पीछे सावधान की मुद्रा में सभी अध्यापक कतारबद्ध थे। डिप्टी साहब ने मुस्कुराकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे दिन स्कूल का पूरा वातावरण बदला हुआ था। बच्चे नए नए परिधानों में खिल रहे थे, किंतु उनके चेहरे पर भय का भाव पढ़ा जा सकता था। पूरा कुर्थी गांव के समस्त ग्रामवासी आज पहली बार स्कूल के सभी अध्यापकों को एक साथ उपस्थित देखकर स्तब्ध थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इन गुरुजनों के ऊपर भी कोई सत्ता होती है जिससे ये डरते हैं। डिप्टी साहब ने सभी कक्षाओं में जाकर मुआयना किया। उन्हें बच्चों के बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई तथा स्कूल का शैक्षिक वातावरण अच्छा लगा। उनकी दृष्टि पांचवी कक्षा के एक छात्र पर जाकर टिक गई। उन्हें लगा कि इस बालक में उत्सुकता के कुछ भाव हैं। उन्होंने उसे इंगित करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महोदय, मेरा नाम रोशन लाल है, बालक ने बेहिचक कहा। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? जी, श्री मुसद्दी लाल। मुसद्दी लाल शब्द के उच्चारण से कुछ बच्चे अपनी हंसी रोक ना पाए। प्रधानाचार्य बाबू नारायण सिंह ने घूरा, पूरी कक्षा में शांति छा गई। मुंशी निरंजन लाल आगे कोई प्रश्न पूछे बिना ही बच्चों को संबोधित करते हुए बोले, इसमें हंसने की कौन सी बात है? किसी व्यक्ति का नाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वह उसके व्यक्तित्व की महिमा को कम नहीं कर सकता। इंसानियत के गुण व्यक्ति को महान बना देते हैं। सभी बच्चे गुणों की खान हैं। कोई एक क्षेत्र में आगे हो सकता है तो कोई दूसरे क्षेत्र में। इसमें उसका नामकरण कहीं भी आड़े नहीं आएगा। बाबू नारायण सिंह डिप्टी साहब के मनोभाव को समझते हुए बीच में ही बोल पड़े, महोदय बच्चे हैं, कभी कभी नादानी कर ही जाते हैं। मुसद्दी लाल इन बच्चों के प्रिय पात्र हैं। रोज अपनी ठेली स्कूल के बाहर लगाते हैं। जब वे रोशन लाल को कुछ खाने के लिए देते हैं तो उसके अन्य साथियों को भी बिना पैसे लिए खिलाते रहते हैं। ये बच्चे उनसे काफी घुल मिल गए हैं। मैंने एक बार उनसे कहा भी था कि इस तरह तो तुम्हारी गरीबी बढ़ती ही जाएगी, किंतु उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा कि इन बच्चों को खिलाकर जो सुख मिलता है वह क्या इन बच्चों के पैसों की बदौलत धनी होकर कोई कभी पा सकता है। मैं ही निरुत्तर हो गया था। डिप्टी साहब कक्षा से बाहर आ गए। प्रधानाचार्य कक्ष में उनके लिए विश्राम करने की व्यवस्था की गई थी। वे बाबू नारायण सिंह के साथ प्रधानाचार्य कक्ष में आकर रजिस्टरों का निरीक्षण करने लगे।
सायंकाल सभी कक्षाओं के बच्चों की सभा आयोजित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से डिप्टी साहब के प्रति स्वागत एवं विदाई दोनों ही भाव प्रदर्शित कर दिए गए। स्कूल के मनोरम वातावरण में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। डिप्टी साहब ने अपनी निरीक्षण टिप्पणी में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि प्रतिभा गांव में भी विद्यमान है, यद्यपि नगरीय चकाचौंध में तकनीकी विकास का रंग वहां के छात्रों पर दिखाई देता है, किंतु गांव के सादगी भरे जीवन में प्रतिभा की मौलिकता दिखाई देती है। ग्रामीण परिवेश के संस्कारों के अनुशासन में बंधे इन बच्चों को यदि शिक्षा का उचित वातावरण मिल जाए तो ये अपनी प्रतिभा की मौलिकता का प्रदर्शन हर क्षेत्र में कर पाएंगे। निरीक्षण टिप्पणी का सबसे अधिक प्रभाव बाबू नारायण सिंह पर पड़ा। वे शिक्षा के प्रति और अधिक तल्लीन हो गए। वे विद्यार्थियों का अलग अलग तरीके से आकलन करते, जिसमें जिस क्षेत्र की प्रतिभा दिखाई देती उसे उस क्षेत्र में आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते। दिन महीना वर्ष बीतते गए। बाबू नारायण सिंह की तपस्या तल्लीनता के साथ जारी थी। गांव क्षेत्र से होती हुई उनकी कीर्ति जनपद तक पहुंच चुकी थी। वे अब पूरा कुर्थी गांव के लिए ही आदर्श न रहकर पूरे जनपद के लिए आदर्श शिक्षक हो गए थे। मुंशी निरंजन लाल अभी भी डिप्टी साहब ही थे। चेहरे पर वही संतोष का भाव आज भी दिखाई देता। दुनिया की रफ्तार कितनी बढ़ गई, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके गांव के कई बच्चे जिन्हें वे हाथ पकड़कर ककहरा सिखाया करते थे उच्चस्थ पदों पर आसीन हो गए थे, किंतु मुंशी निरंजन लाल वहीं के वहीं थे। पदोन्नति के कई प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकार ही नहीं की। मुसद्दीलाल की भी अपनी कहानी थी। स्कूल के बाहर उनकी ठेली ठीक समय से लग जाती। उन्हें सामान बेचने में उतना आनंद नहीं आता जितना ठेली से सामान खरीद कर खाते हुए बच्चों के शहंशाही हाव भाव देख कर आता था। वे सदैव साफ सुथरे कपड़ों में दिखते और टोपी लगाना कभी भूलते ही नहीं। उनकी ठेली के सामान जमाने के हिसाब से परिवर्तित होते गए, किंतु उन्होंने गुणवत्ता का सदैव ध्यान रखा। किस सामान का कितना पैसा मिला इस ओर उनका ध्यान नहीं रहता, बल्कि प्यार से सामान देने में उनकी तत्परता रहती कि कोई बच्चा रूठने ना पाए। मुसद्दीलाल को अपने और पराए के बच्चे में कोई भेद ना दिखाई देता था। आज मुंशी निरंजन लाल अखबार की खबर पढ़कर खुशी से झूम उठे। बाबू नारायण सिंह को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आदर्श शिक्षक का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार के आवेदन पत्र को अग्रसारित करते हुए मुंशी निरंजन लाल ने अपनी जोरदार टिप्पणी अंकित की थी। मुंशी निरंजन लाल इतनी बड़ी खुशी की सूचना बाबू नारायण सिंह को स्वयं जाकर देना चाहते थे। वे बिना किसी कार्यक्रम के ही बाबू नारायण सिंह के विद्यालय पहुंच गए। अभिवादन की औपचारिकता गले मिलकर पूरी हुई। सभी अध्यापक अचानक डिप्टी साहब के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, किंतु जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन की सूचना मिली तो सभी फूले ना समाए। बाबू नारायण सिंह के लिए आज का दिन सबसे बड़ी खुशी लेकर आया था। मुंह से बोल नहीं फूटे, किंतु आंखों के कोर हर्षातिरेक के आंसुओं से भर गए थे। समय बीतता गया। मुसद्दीलाल ने रोशनलाल को खूब पढ़ाया लिखाया। अब उसे नौकरी भी मिल गई थी। मुसद्दीलाल अब भी उसी स्कूल के बाहर ठेली लगाते और बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते रहते। मुंशी निरंजन लाल की सेवा का अंतिम वर्ष था। उनकी जवानी ढल चुकी थी, पर वे मन से अभी भी जवान थे। शायद जीवन में संतोष का भाव और कर्तव्य निष्ठा उनकी संजीवनी थी। सूट बूट में इकहरे बदन के स्वामी वे आज भी प्रभावशाली लगते। उनके नवागत अधिकारी ने उन्हें पहली बार अपने कक्ष में बुलाया था। डिप्टी साहब की इस अधिकारी से यह पहली मुलाकात थी। संकोच भाव के साथ अनुशासित ढंग से उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। बोले, महोदय,
मैं चक नेवादा क्षेत्र का डिप्टी हूँ। अधिकारी ने सामने कुर्सी पर बैठ जाने का संकेत दिया। मुंशी निरंजन लाल अभी कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे कि अधिकारी महोदय अपनी कुर्सी से अचानक खड़े होते हुए बोल पड़े, आप डिप्टी साहब निरंजन लाल तो नहीं हैं? मुंशी निरंजन लाल को पूरा दृश्य अटपटा लगा। उन्होंने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, जी जी महोदय, मैं निरंजन लाल ही हूँ। अधिकारी ने तपाक से कहा, बैठिए महोदय, आप तो हमारे डिप्टी साहब हैं। मुंशी निरंजन लाल अचकचा गए, बोले, महोदय मैं समझा नहीं। अधिकारी ने कहा, मैं रोशन लाल हूँ। आपको याद होगा कई वर्ष पहले आप पूरा कुर्थी गांव में विद्यालय के निरीक्षण में गए थे। उस समय मैं 5वीं कक्षा का छात्र था। आपने मेरा और पिताजी का नाम पूछा था। मेरे द्वारा पिताजी का नाम मुसद्दी लाल बताए जाने पर पूरी कक्षा हंस पड़ी थी। मुंशी निरंजन लाल को पूरी कहानी परत दर परत याद आने लगी। उनके मन मस्तिष्क में मुसद्दी लाल ठेली वाले के चित्र उभर कर सामने आ गए। उन्हें बाबू नारायण सिंह के वे शब्द भी याद आ गए कि मुसद्दी लाल स्कूली बच्चों को रोशन लाल की तरह निशुल्क सामान दे देता था। उन्होंने पूछा, महोदय तुम्हारे पिताजी का क्या हालचाल है? अधिकारी ने कहा, महोदय आप तो आज भी मेरे डिप्टी साहब हैं। आप मुझे महोदय ना कहें। आपने बचपन में हमें मनोबल ऊंचा रखने का जो गुरु मंत्र दिया था उसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। अब उनकी ठेली सभी बच्चों के लिए निशुल्क हो गई है। मुंशी निरंजन लाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वे सोच रहे थे, मुसद्दी लाल धन से धनी नहीं हुए तो क्या? उनके पास ऐसा अक्षय धन है जो बच्चों को खुशियों के रूप में प्रतिदिन बांटने के बावजूद भी पड़ता ही जा रहा है।